माय नेम इज एस लेक्चरर ऑफ एंड आई एम मैथ टीचर फ्रॉम स्टार आई स्कूल और नॉर्मल कैंपस. नाउ आई स्टार्ट और लेक्चर फ्रॉम 8.1 एक्सरसाइज बैच 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 1 एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट. हमने अपने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेंट पर बताया था कि चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास. 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसने कहता है कि इनमें हमारे पास बताया कि क्वाड्रेंट्स हमारे पास ये पॉइंट्स दिए बताओ ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो जस्ट क्वाड्रेंट बता दिया. तो पहला क्वाड्रेंट इज माइनस 4 और 3 है. तो मैंने आपको बताया था ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है. इस तरह दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है उसका माइनस 5 माइनस 2 पॉइंट दिया हुआ है. बताओ ये किस क्वाड्रेंट में होगा. तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. तो क्योंकि थर्ड में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है. ये दोनों नंबर की क्या है दोनों नंबर क्या है नेगेटिव है. तो ये कौन सा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. नेक्स्ट हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है जो वैल्यू दी होगी उसके बराबर उसको बनाना है आपने. अब y equal 3 दिया तो इसका हमें वही तरह ये x एक्सिस है नहीं ये y एक्सिस की लाइन है. तो y equal 3 है तो y पे और y पॉजिटिव दिया है या ये याद रखिएगा y अगर नेगेटिव देंगे तो हम y नीचे नेगेटिव होते हैं y ऊपर पॉजिटिव होते हैं. इस तरह x क्या है वो राइट साइड पे आपके पॉजिटिव होते हैं लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव होते हैं. तो y equal 3 पॉजिटिव है तो इसलिए हमने y एक्सिस को बनाना है ऊपर अब वन साइड बनाना है. तो ये 1 2 और ये 3 ये थ्री आपके पास ये ग्राफ आएगा ये लाइन यहाँ पूरा कर दी है हमने. तो सिंपल ये ग्राफ बन गया वाई इक्वल टू 3 का. इस तरह अगर आपके पास थर्ड पार्ट है वाई इक्वल टू माइनस 1 दिया होता है तो यही एक्स एक्सिस की लाइन लगानी है वाई एक्सिस की लाइन लगानी है आपने. तो ये नीचे आप गाँव में आ जाता है गाँव में माइनस वाई एक्स कह रहे हो माइनस 1 होते हैं. तो यहाँ पे 0 यहाँ पे ये माइनस 1 तो यहाँ पर आपने ये डॉट लाइन लगा दी है माइनस 1 तो इसलिए इसका ग्राफ नहीं बनते हैं आपके पास. ठीक है ये मैंने इसमें एक एग्जाम्पल दिया आपको थर्ड पार्ट का. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 11 पार्ट है इसका. अगर ये तो सिंपल था एक एक वेरिएबल आ रहा था x इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 3 इसका ग्राफ बनाया था. नेक्स्ट हमारे पास है अगर दो वेरिएबल आ गए y इक्वल टू 0 तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे. इसको पहले हम सॉल्व करेंगे. पहले हमने पॉइंट निकाल दिए इसके इसको हमने cos y cos पर ले लेंगे. आपने x या y दोनों में से किसी एक को 0 इक्वल पुट करना है. आप x को यहां 0 पुट कर सकते हैं. अब मैंने y इक्वल टू 0 पुट किया इसमें तो इसमें y 0 पुट किया इक्वेशन a a का नाम दे दें इसको y 0 पुट किया तो x 2x 0 आ गया. तो x 0 यहां से 0 आ गया. हमारे पास पॉइंट क्या बना x 0 और y का पुट किया था 0 तो 0 पर बस एक पॉइंट आ गया. ठीक है नेक्स्ट हमारे पास इसमें y 1 पुट करेंगे इसी में a में 0 यानी 0 स्टार्ट करना है 0 1 2 3 ऐसे पुट करते जाना है. हमने y 1 इसमें पुट किया हमारे पास x वैल्यू ये आ गई. ठीक है तो हमने x वैल्यू क्या ये 1/2 और y का रखा था 1 इसलिए x ये पॉइंट दूसरा पॉइंट आ गया 1/2 और 1. ठीक है इस तरह आपने y 2 रख देना है इक्वेशन a में. पहले मान y 0 रखा आपने 1 अब 2 2 जब इसमें रखेंगे सिंपलीफाई करेंगे तो आपको यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. तो यहां पर हमारा तीसरा पॉइंट क्या आ गया x की वैल्यू क्या आई 1 और 2 y का रखा था हमने 2 तो y क्योंकि x पहला x का वाला पॉइंट होता है दूसरा कौन सा होता है यहां पे y होता है. ठीक है जी पहला एलिमेंट x होता है y होता है तो 1 को इधर तीसरा पॉइंट मिल गया. अब 0-0 तो कोई पॉइंट हम बना नहीं सकते. हम इन दो पॉइंट्स को ग्राफ पूरा करेंगे. इसको इस तरह अगर आपके पास ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास ये पॉइंट्स बनते जाएंगे. आपने मैक्सिमम दो या तीन पॉइंट्स निकाल के यहाँ पर ग्राफ पूरा कर देना जिसमें दो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज होंगे. ठीक है आप इसमें दो या तीन मैक्सिमम पॉइंट निकाल के इसको ड्रा कर देना. बस मैंने y इक्वल टू पुट करके तीसरा पॉइंट निकाल दिए तो मैं इन दोनों को बस ड्रा कर लूंगा. ज्यादा पॉइंट्स आपने निकाल दिए इसे तो ऑनवर्ड एनएस तक चलते जाएंगे आपके पास पॉइंट्स का सर. तो इसको पॉइंट नंबर बस 1/2 और पहला पॉइंट इसको ड्रा करना है सिंपल. वही हमने y एक्सिस की लाइन लगा दी और x एक्सिस की लाइन लगा दी. ठीक है पहला पॉइंट P2 है 1/2 और 1 क्या है x हमारे पास 1/2 है 1/2 को डिवाइड करके 0.5 करता है यानी ये मतलब ये 0 है. तो यहां ये 1 है हमारे पास तो 0.5 हाफ हो जाएगी यहां हम दरमियान में होगा ये पॉइंट आ गया हमारे पास. ठीक है जी 1/2 और ये कौन सा होता है ये y सेकंड एलिमेंट y का होता है तो इसको y पे बनाएंगे यानी y x पे यानी y ये है तो 0 और ये 1 तो ये यहां पे होता है. इन दो का आपने इन इस ये वाली लाइन यहां पर आ रही है ये x की दूसरा पॉइंट इन दो का आपने
मिला रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो ये बस ए पॉइंट आपके पास यहां पे ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा पॉइंट है 1 और 3। पहला एलिमेंट x का होगा, इसलिए इसको x एक्सिस पे बनाएंगे, यानी ये 1 पॉइंट का होगा तो x एक्सिस पे, तो ये 1 यहां पे आ जाएगा, ठीक है जी, ये पॉइंट में मिल जाएगा। दूसरा फिर ये y एलिमेंट है, इसको y एक्सिस पे बनाएंगे, 0 ये 1 ये 2, तो ये 2 के और ये पॉइंट मिल गए। तो इन दोनों पॉइंट्स के यहां पे वापस में 29 से यहां पे मिला देंगे यहां से, तो अब दूसरा पॉइंट ये हमारा गिवन हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स में मिल गए, इसको आपने ओरिजिन से यहां से मिला देंगे, आपका ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा इसका, जहां पे दो वेरिएबल होंगे उस इक्वेशन का ड्रा ग्राफ से ड्रा करना है। इसका नेक्स्ट पर्पस क्वेश्चन नंबर 3 है, आर का पॉलीगन से क्या है, आर का लोडिंग लाइंस पैरेलल टू बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन दी गई है, अगर बताओ ये जो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की होगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस की होगी, तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। पहले वन उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, यहां से स्क्वायर क्या आ जाएगी 4 ओवर 2, 2 2 उधर क्या आ जाएगा 4, तो y स्क्वायर क्या आ गई 2। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे x = 2 पर, x स्क्वायर 2 होगी तो x एक्सिस उस तरह ये y एक्सिस की लाइन निकाल लेंगे, ये x एक्सिस की लाइन निकाल लेंगे, तो x = 2 होगी तो x से बनाएंगे, यानी ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 2 पे आपने 29 ऐसे निकाल देनी है। अब ये लाइन देखनी है किसके पैरेलल है, तो ये y वाली लाइन के पैरेलल है, तो हम कह देंगे ये जो है ये आंसर है कि इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये इसने क्वेश्चन पूछा गया था कि आप क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं लाइन इसमें, तो उसको बताएं वो जो सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर नहीं पता वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस की है या y एक्सिस की है। तो ये जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इसका आंसर जो है उसको मैं ड्रा कर हर उसको ड्रा करके वो किसके पैरेलल आ रहा है, y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। इसका रिमेनिंग पार्ट आपने इस तरह करके सिंपलीफाई करके x या y वैल्यू निकाल के उसको ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेना, रिप्रेजेंट कर लेना, तो जो उसकी जो भी लाइन आएगी वो x एक्सिस की या y एक्सिस की पैरेलल आएगी वो आपने बता देना उसके याद से आपने। इस तरह नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ में अगर यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर एक वेरिएबल की बात हो रही है, अगर दो वेरिएबल आ जाए तो उसको कैसे बताएंगे कि वो किसकी पैरेलल है, x एक्सिस की या y एक्सिस की। तो इसी तरह ये इसका x इसको y अदर साइड पे लेके माइनस का होने का इसका इक्वेशन a का नाम दे देंगे, ठीक है जी, इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x या y दोनों में से एक 0 पुट कर देंगे यहां से, तो x इक्वल टू 0 पुट किया इक्वेशन a में, तो ये वहां से y के मिला है 0 मिला है, एक पॉइंट पर बस आ गया 0 और 0 ये नहीं, तो नेक्स्ट देन हम x इक्वल टू 1 से पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू माइनस 5, यानी y इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो हमने x का निकाला 1 और y का निकाला माइनस 1, तो ये एक पॉइंट ये निकला है 1 और माइनस 1 का। तो मैं इनको दोनों को ड्रा करता हूं, जो मेरे पास पॉइंट आए 0 0 को ड्रा नहीं कर सकता हूं, तो मैं सॉल्यूशन भी होगा ये 1 और माइनस 1 को यहां पर ड्रा करता हूं, x एक्सिस की लाइन लगती है, y एक्सिस की लाइन लगा रही और ये x एक्सिस की लाइन लगा रही मैंने, ठीक है जी। अब ये 1 पहला x का एलिमेंट होता है, दूसरा y का होता है, तो 1 x एक्सिस भी आएगा, यानी ये 0 है तो ये 1 आएगा, ठीक है जी, ये 1 का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास माइनस 1 है, वो ये y का एलिमेंट है तो y एक्सिस बनाएंगे और नीचे बनाएंगे, ये नीचे नेगेटिव होते हैं पॉइंट हमारे पास, तो ये माइनस 1 यहां पर आएगा हमारे पास, तो ये दोनों पॉइंट लाइंस यहां पर इसको यहां मीट कर देंगे यहां पे, तो ये पॉइंट ये लाइन यहां ड्रा कर देंगे। अब ये लाइन देखिए ना x एक्सिस के पैरेलल है ना ये y एक्सिस के पैरेलल है, ना ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है ना ये y के पैरेलल है, तो यहां लिख देंगे सो इट इज नीदर पैरेलल टू x एक्सिस और नॉर पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें बताया है m और c के वैल्यू फाइंड करनी है, m और c के वैल्यू फाइंड करनी है बाय कन्वर्टिंग जो भी इक्वेशन दी होगी उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके m और c की वैल्यू बता देनी है, फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है वो इसको सिंपलीफाई करने के लिए इस इक्वेशन को हमने इस जैसे बना के तो हमने कंपेयर कर लेना है m और c की वैल्यू बता लेनी है, देखिए यहां पर y सेपरेट है तो y बाकी सारी चीज ये भी x वाली वैल्यू और cos की साइड पे है, तो हमने y वाली साइड पे ले लेनी है, बाकी x वाली cos को अदर साइड पे ले लेना है, ये जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का वन हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, तो हमने y यहां पर सेपरेट फॉर्म में, तो यहां भी y सेपरेट होना चाहिए, यानी 3 को हम इधर आके डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन के नीचे, यहां पे 3 इधर आके माइनस 2 बाय 3 आ जाएगा, x प्लस ये 3 इधर भी आके डिवाइड हो जाएगा 1 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इधर भी इधर सेपरेट फॉर्म दोनों से। तो हमारे पास ये अगर मैं इसे कंपेयर करूं इक्वेशन 1 से, तो y इक्वल टू y x के साथ में यहां m है, यहां x के साथ में क्या है माइनस 2 ओवर 3, तो इसका मतलब ये m हुआ पर ये कांस्टेंट है c, तो इसका मतलब कांस्टेंट यहां पे क्या है 1 ओवर 3, तो यहां ये m की वैल्यू यहां से माइनस 2 ओवर 3 निकल आई और c की वैल्यू 1 ओवर 3 फाइनल हो गई हमारे पास। इस तरह लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके रिमेनिंग पार्ट को सेम इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है वेरीफाई पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, कहता बताओ पॉइंट्स आपको गिवन है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स है, उसके आपके पास पॉइंट्स गिवन है, तो आपको बताने हैं कि वो पॉइंट्स क्या इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं करते। अब हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, पहला पार्ट ऐसा 2 और 3 पॉइंट दिया, कहता बताओ ये पॉइंट इस लाइन में लाई करता है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास ये पहला एलिमेंट कौन सा होता है, एक्स का होता है,
सेकंड वाई का ऑप्शन। तो हमने एक्स वाई दोनों इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अगर तो इसके ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हमारे पास ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कहते हैं वो पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता। अब एक्स की जगह हमने 2 पुट कर दिया और वाई की जगह हमने 3 पुट कर दिया, यानी 2 ऐसी इक्वेशन हमारे पास। तो 2 - 3 + 1 2 - 4 - 3 + 1 4 में से 3 का 1 आ गया, 1 + 1 2 2 ≠ 0। यानी इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो यानी लेफ्ट हैंड के दोनों पे आंसर इक्वल नहीं है। तो हम कहते हैं ये जो पॉइंट है नॉट लाई ऑन द लाइन, यानी इस लाइन पे लाई नहीं करते पॉइंट। इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने इस तरह ही करने हैं। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़।